नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। देश की राजधानी दिल्ली में बस चुनाव में लगभग एक महीने का समय शेष है। अब से कुछ दिन में ही चुनाव आयोग चुनावों की तारीखों का ऐलान कर देगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर दिल्ली का दंगल जीतेगा कौन। हम इस वक्त सीपी में हैं, कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या केजरीवाल सरकार फिर से सत्ता वापसी कर रही है या बीजेपी का 21 साल का बनवास दिल्ली में खत्म होगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, आखिर उनकी राय क्या है दिल्ली को, आखिर उनकी सोच क्या है दिल्ली को लेकर, इस पर उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं। आप दिल्ली की सरकार जो 5 साल केजरीवाल की सरकार रही है उसको कैसे देखते हैं? वैसे तो जनता के लिए काफ़ी सुविधाएँ की है और फ्री भी किया, कोई लेडीज़ के लिए बसों में जैसे तो अच्छा काम किया, लेडीज़ के लिए होना चाहिए। और मैं मन बना चुका था इस बारी कि आम आदमी पार्टी को वोट दूं, लेकिन जिस तरह से इन्होंने जामिया मिलिया में किया है और जामिया मिलिया से शुरू हुआ है, ये पूरे देश में आग लगी है। और तो मैं ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की मिली साजिश थी, ये मिली भक्ति थी इसके। जामिया मिलिया से देखा जाए कि पूरे देश में आग लगी है ये, तो मैं आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दूंगा। बिल्कुल, आप किस तरीके से देखते हैं दिल्ली में चुनाव है? सर, आम आदमी पार्टी सच्चे दिल से काम करती है और वरना बहुत सरकारें इसमें इंडिया में हैं वो वहाँ भी ये काम करें, टैक्स सारे में आता है। वो एक केजरीवाल सरकार अगर ये सुविधाएं दे रही हैं जनता को, जनता का पैसे की सेवा दे रही हैं, तो लोगों को इस चीज़ से बहुत दुखी है। लेकिन भाजपा तो ये कह रही है ना कि जो केजरीवाल सरकार है वो सिर्फ 3 महीने काम कर रही है, 57 महीने तो उसने केंद्र सरकार पे आरोप लगाने में ख़त्म कर दिए। मैं आप केजरीवाल के बारे में पूछना चाहता, उसका हम कहना चाहता हूँ कि दिल्ली की पब्लिक ने उसे वोट दिया था, एक मैंडेट दिया था 67 सीट, लेकिन उन्होंने आज से पिछले 4 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल, मानता है 1 साल बहुत बिजी था, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, लगभग उन्होंने 57 साल जनता को गुमराह किया। और तब तक एक ही 57 महीने और तब तक एक ही चीज़ उन्होंने बोलता रहा कि केंद्र वाले हमें करने दे रहे हैं, मोदी सरकार करने। आज मैं पूछना चाहता हूँ तमाम जो उनको वोट दे के जिताए केजरीवाल साहब से, आप 3 महीने में सारा सुविधा दे रहे हो, बिजली फ्री, पानी फ्री, बस फ्री, मेट्रो, आप सुगरना मेट्रो। लेकिन आप तो कांग्रेस भी कह रही है ना कि हम अगर जीत के आए तो 600 यूनिट बिजली फ्री देंगे। सर, कांग्रेस ने कहीं कि वो जहाँ उनकी सरकारें वहाँ दी है, कह रहा है ना केजरीवाल। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना कि दिल्ली में जो भी विकास हुआ है वो शीला दीक्षित ने किया है, कांग्रेस वाले खुल के कह रहे हैं। सर, सारी पब्लिक को दिखती है, दिल्ली की सारी पब्लिक को पूछो ना, सब खुश हैं, आम औरत आम आदमी बहुत खुश है, जीरो बिल आ रहे हैं लोगों के। अगर दिल्ली में गरीब जनता पड़ी है, बिहार से आके इधर उधर से आके काम कर रहे हैं, अगर उनका कोई भला हो रहा है तो क्या? अनऑथराइज्ड कॉलोनी को आखिर भाजपा ने ही उसको ऑथराइज्ड किया। देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर आई थी, इन्होंने 200 यूनिट फ्री करा था, बस का किराया माफ़ किया, पानी का, तो उस टाइम पे क्यों नहीं गए ना? कहीं पर रिटर्न पे है, कहीं सुप्रीम कोर्ट की मोहर है कि बिजली के लिए बिल माफ़ है 200 यूनिट तक। इन्होंने चुनावी स्टैंड बना लिया, लास्ट के 3 महीने बचे हैं फरवरी के बाद, कहीं सोच रहे हैं कि सब चीज़ फ्री करके दिल्ली की जनता को भरोसा दिलाओ। मैं अगर चाहता हूँ, अगर ये फ्री कर रहे हैं सारी चीज़, जो दिल्ली पे भीख मांग रहे, रोड कमजोर, 8.5-9 लाख लोग होंगे दिल्ली में सारे, इन भिखारियों की भीख बंद करवा दे। केजरीवाल सबसे बड़ा मुख्यमंत्री माना जाएगा देश का, अगर ये बंद नहीं हुए ना तो बस राजनीति चलने में और कुछ नहीं, चुनावी स्टैंड है, सब कुछ इन्हीं के हाथ में, केंद्र के हाथ में पल्ला झाड़ लेते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ राजनीति ही चलेगी। और लेकिन केजरीवाल ने एक और बड़ा मुद्दा खास करके लोकसभा चुनाव से पहले उठाया था, पूर्ण राज्य का, क्या वो मुद्दा लेकर इस बार चुनाव में वो जाएंगे या एक बार फिर से वो भाजपा के खिलाफ पूर्ण राज्य का मुद्दा नहीं उठाएंगे? केजरीवाल केवल फ्री कर सकते हैं, पूर्ण राज्य और किसी काम से उसका मतलब नहीं है, क्योंकि वो धरने का लड़ने का काम है उनका, बाकी काम पे कोई मतलब नहीं उनका। 23-24 सीट आएंगे केजरीवाल की, इस ऊपर नहीं आएंगे, 23-24 सीट आएंगे। सर, 70 सीट आएंगे पूरी। सर, मैं बताता हूँ, ऐसा है, ये लोग अंधे हैं, इन लोगों को दिखाई नहीं देता है जितना केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के अंदर काम किया है। अगर इतनी ताकत है उन सरकार, वो ईमानदार और सरकार है कांग्रेस और बीजेपी की, हिंदू मुस्लिम करने वाली पार्टी। आप जो बोल रहे हैं, केंद्र सरकार भी तो कहती है कि अगर हम नहीं चाहते तो केजरीवाल इतनी काम नहीं करते। अरे भैया, ऐसा नहीं है, खाली केंद्र सरकार पे ही दिल्ली चलती है, दिल्ली में भी टैक्स आता है दिल्ली सरकार के लिए, ऐसा नहीं है। और रही 57 महीने कहाँ बैठे थे केजरीवाल, और आज केजरीवाल से मैं एक सवाल करना, यदि है केजरीवाल के अंदर, केजरीवाल के अंदर है क्षमता,
तो आज सुप्रीम कोर्ट में पार्टीशन दायर करें कि हमेशा हमेशा के लिए फ्री रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप किस तरीके से देख रहे हैं? मैं इस तरह से देख रहा हूँ, जो आम आदमी पार्टी की सीट आएंगे मैक्सिमम 23 से 24 सीट आएंगे और 6 सीट कांग्रेस लेकर आएगी इस बार और 35 और 37 के बीच में बीजेपी रहेगा। लेकिन केजरीवाल का भी जितना भी जोर है वो इस दिल्ली साइड है। अब साउथ में चले जाओ, साउथ में केजरीवाल का काम जीरो है, रोहिणी साइड में चला जीरो है कतेगा। आप इंगे लक्ष्मी नगर, निर्माण बिहार, मंडौली, इधर भी मुश्किल है। मिलेंगी 23 से 24 सीट आएंगी, इतनी सीट नहीं आएंगी। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ा भाजपा के लिए सबसे बड़ी जो समस्या है वो दिल्ली में वो है मुख्यमंत्री का चेहरा। भाजपा आखिर किसको मुख्यमंत्री का चेहरा बना के चुनाव में लड़े या नहीं लड़े ये भी असमंजस है, और अगर चेहरा हो तो वो कौन हो? आप भाजपा की तरफ से किसे मुख्यमंत्री के रूप में? ये अभी डिसाइड हमारा पार्टी नहीं करेगी, भाजपा भी डिसाइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ पार्टीशन अलग हो जाता है लेकिन डिसाइड नहीं। लेकिन हमारे तरफ से हर्षवर्धन है, विजय गोयल है, मनोज तिवारी हैं, सब कैंडिडेट हैं। लेकिन हम सब किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे अभी देखते हैं, बीजेपी ने तो डिसाइड ही नहीं किया अभी अपना। मैं बताऊं ना, किसे केजरीवाल को देखना चाहेंगे और किसे देखना चाहेंगे? केजरीवाल ने काम देखना चाहते हैं केजरीवाल को। नहीं नहीं, देखो मुख्यमंत्री दो ही बनेंगे, या बीजेपी का केजरीवाल, कांग्रेस का कहीं वर्चस्व है नहीं। लेकिन फाइट होगी, ज्यादा लंबा मामला नहीं रहेगा, जो 30-35 का नहीं, 10-5 सीटों में ही अंतर रहेगा। सरकार किसी की बने अभी पता नहीं भाई, हम यहाँ खड़े हैं, अभी हुल जुलूल बोल दे कि नहीं केजरीवाल नहीं बनेगा या बीजेपी बने या बीजेपी नहीं केजरीवाल बनेगा, नहीं। लेकिन जो मामला रहेगा, टक्कर रहेगी, पसीने दोनों के नेता है। आज झारखंड में अगर मशीन सही थी, अगर मशीन सही रही तो सर पूरी सीटें दिल्ली में जाएगी। मतलब जहाँ बीजेपी आ रहे वहाँ मशीन ठीक, जहाँ बीजेपी आ रहे वहाँ मशीन ठीक, और जहाँ बीजेपी जीती वहाँ मशीन तो आपने देखा किस तरीके से दिल्ली चुनाव को लेकर जनता की राय है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इस चुनाव में जनता किसे सत्ता पर बिठाती है और किसे सत्ता से बाहर करती है। फिलहाल ये प्रभा साक्षी की रिपोर्ट थी दिल्ली के कनॉट प्लेस से।